सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रथम पाठ यानी पहला पाठ। अब यहाँ पर पहला पाठ कौन सा है? अहम वयम त्वम यूयम, यानी अहम किसे कहते हैं? मैं, वयम हम सब, त्वम तुम, यूयम तुम सब, यानी हम यह पढ़ेंगे। उससे पूर्व हमें क्या करना है? हम पढ़ेंगे इस पाठ के शब्द अर्थ, जिसको हमें लिखना भी है और याद भी करने हैं। संज्ञा पदानी लिखा है शिक्षिका यानी अध्यापक, छात्रा यानी छात्र, युवका युवक, मित्राणी मित्र। यानी संज्ञा पद क्या होते हैं? नाम, वस्तु के नाम, और यहाँ प्राणी के नाम दिए गए, ठीक है। सर्वनाम पदानि, हमने पिछली कक्षा में सर्वनाम पद पढ़े थे ना, तो इसका मतलब है हम पढ़ेंगे अहम का मतलब है मैं, त्वम तुम, किम क्या, वयम हम सब, यूयम तुम सब, ठीक है। और इसी आधार पर अब हम पढ़ेंगे क्रियापदानी। क्रियापदानी यानी असि यानी हो, अस्मि हूँ, करोषि करता हूँ, क्रीडामि खेलता हूँ, क्रीड़ा का मतलब होता है खेलना, तो यहाँ क्रीडामि मतलब खेलता हूँ, क्रीडसि खेलती हो, स्मह है, स्थ हो, कूजत चहचहाते हो, कूजना मतलब चहचहाना, चिड़िया चहचहाती है ना, उसे कहते हैं कुजाम, चहचहाते हैं, धावाम दौड़ते हैं, धावत दौड़ते हो, तिष्ठत बैठते हो। इस आधार पर हमें अब यह पाठ का अनुवाद करना है। आपने अपनी लाइव कक्षा में लट लकार पढ़ी, जिसमें आपने पट धातु अगर लिखी थी, उस आधार पर लट लकार क्या होती है? लट लकार होती है वर्तमान काल को कहते हैं, जो कि कार्य वर्तमान काल में हो रहा है, ठीक है। उस आधार पर यहाँ दिए गए हैं आपको पुरुष, प्रथम, मध्यम और उत्तम, यह पुरुष गिने गए हैं, और उसी आधार पर एकवचन, द्विवचन और बहुवचन के आधार पर क्रिया भी बदलती है। तो यहाँ अस धातु का वर्णन किया, धातु क्या होती है? क्रिया जो होता है उसको हम खाली धातु रूप में लिखते हैं, तो यहाँ वो जैसे चलना चल होता है, पढ़ना पढ़ होता है, तो पढ़ से क्या हुई? धातु कही जाती है। तो यहाँ प्रथम पुरुष पढ़ेंगे अस्ति, स्तः संति। यहाँ जब एक वचन होता है तो है किस रूप में आएगा? अस्ति के रूप में। द्विवचन तुम हो, ठीक है, संति हम सब हैं, ठीक है। उस आधार पर यहाँ जिस तरह से हम सर्वनाम साथ में लगाते हैं, उस आधार पर ही क्रिया भी लिखी जाती है। मध्यम है असि, स्तः, स्थ। उत्तम
अस्मि, स्वः, स्मः। तो इस आधार पर अब हम पढ़ेंगे आगे पाठ। यहाँ पर एक दृश्य दिया गया है जिसमें दो लड़कियां संवाद कर रही है, गरिमा और अनन्या। गरिमा कह रही है, अहम गरिमा, मैं गरिमा हूँ। त्वम कासी, तुम कौन हो? अनन्या ने जवाब दिया, अहम अनन्यास्मि, मैं अनन्या हूँ। अस्मि का मतलब होता है हूँ। गरिमा, त्वम किम करोषि, तुम क्या करती हो? यहाँ उसने प्रश्न किया। अनन्या ने उत्तर दिया, अहम क्रीडामि, मैं खेलती हूँ। किम त्वम, क्या तुम, अपि, अपि का मतलब होता है भी, क्या तुम भी क्रीडसि? तो ये क्या, किम त्वम अपि क्रीडसि, या तुम भी खेलती हो? यहाँ इसने प्रश्न किया। गरिमा ने कहा, आम, आम का मतलब आम नहीं होता, होता है हाँ। क्या होता है? हाँ। अहम अपि क्रीडामि, मैं भी खेलती हूँ। अब यहाँ अगले दृश्य में यहाँ अध्यापक है। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, अहम शिक्षकास्मि, कह रहे हैं मैं अध्यापक हूँ। क्या कह रहे हैं, मैं अध्यापक हूँ। त्वम छात्र असि, तुम छात्र हो, असि का मतलब हमने अभी पढ़ा था हो, ठीक है। अब आगे यहाँ बोल रहे हैं वयम शिक्षका स्म, वयम शिक्षका स्म मतलब हम दोनों क्या है, अध्यापक है। यूयम छात्रः स्थ, तुम सब, यूयम अभी हमने पढ़ा था, ये वयम का मतलब होता है हम सब, और यूयम का मतलब होता है तुम सब। ये यहाँ पे छात्र बहुवचन आया है, तो तुम सब छात्र हो, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, वयम बालका स्मः, यहाँ कह रहे हैं हम सब क्या है, हम बालक है। अब स्मः आया है ना, यहाँ हे आएगा, क्योंकि हम सब क्या हुआ, हम सब बहुवचन हो गया, तो यहाँ हे आया है, ठीक है, यहाँ पे है आया है, तो यहाँ हम सब बालक हैं। युयम युवका स्थ, तुम सब युवक हो, क्या कह रहे हैं, तुम सब युवक हो। अब यहाँ देखिए, यहाँ बालक पढ़ रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं, वयम पठामः, आपने लकार में पढ़ा था, तो यहाँ वयम का मतलब हम सब, पढ़ते हैं, ठीक है। योयम खेलत, तुम सब खेलते हो, यहाँ पे वह बोल रहे योयम खेलत, यानी तुम सब खेलते हो। अब यहाँ देखो चिड़िया दिखाई गई है, चिड़िया बहुत सारी है ना, तो कह रहे योयम चटकास्थ, यानी तुम सब चिड़िया हो।
यूयम कुजत। कुजत क्या होता है? कुजत हम कहेंगे चहचहाना। कुजत का मतलब होता है चहचहाना। चहचहाती हो, तो यहाँ तुम सब चहचहाती हो लिखेंगे। अब यहाँ अगली पंक्ति है, वयम अपि चटका स्मः, हम सब भी चिड़िया हैं। वयम अपि कूजामः, हम सब भी चहचहाती हैं। ठीक है, कूजामः चहचहाती हैं आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ यहाँ एकवचन द्विवचन और पुरुष के आधार पर अलग लिखा गया है। ठीक है, यहाँ अगले पृष्ठ पर है कि वयम, यहाँ अगले पृष्ठ पर है वयम मित्राणि स्म, हम सब मित्र हैं। यहाँ देखो, यहाँ सब मित्र यहाँ पे दौड़ कर आ रहे हैं। वयम धावामा, धावामा होता है दौड़ना, हम सब दौड़ते हैं। यहाँ बहुवचन के आधार पर लिखा जाएगा, हम सब दौड़ते हैं। यूयम अपि मित्राणि स्थ, तुम सब भी मित्र हो। स्थ का मतलब क्या हुआ? यहाँ हो, तो तुम सभी मित्र हो आया। यूयम न धावत, तुम सब नहीं दौड़ते हो। क्या कर रहे हैं ये लोग? यहाँ बैठे हैं ना, ये बैठे हैं, उस आधार पर वो बोल रहे हैं यूयम तिष्ठत, तिष्ठत, यूयम तिष्ठत। तो यहाँ तुम सब बैठते हो। ठीक है, तो यहाँ इस आधार पर हमने यह सीखा कि लकार यानी वर्तमान का लट लकार का प्रयोग किस तरह से हुआ सर्वनाम शब्दों के साथ।